नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद है और लहसुन मंडी में कल की अपेक्षा आज दामों में करीब 1500 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। जो बड़ी लहसुन है मतलब अच्छी क्वालिटी की, उसमें दामों में गिरावट है, जबकि जो मीडियम वो जो छोटी है छर्री टाइप की, उसके दामों में लगभग कमोबेश वही स्थिति है। वही बात करें तो आज मंडी में एक दो बार अफरा तफरी हो गई। अफरा तफरी का कारण ये था कि अचानक हुई तेज़ बारिश के कारण किसानों की जो उपज खुले में पड़ी हुई थी वो भीगने लगी और इसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आप देख भी सकते हैं जिस तरह की कुछ अभी भी उपज है जिसपे ढाक रखी है लोगों ने, पाल और त्रिपाल ढाक के बचाने की कोशिश की, क्योंकि यदि गीली होती है तो निश्चित तौर पे इनके जो दाम है दाम प्रभावित होते हैं। फिलहाल दामों की बात कर रहे हैं तो दाम अभी एक किसान भाई हमारे साथ है, इनकी लहसुन है किस भाव गई, कौन सी थी, कहाँ से आए हैं वो, क्या काकरातली से, काकरातली जावते से। अच्छा, ये जो गई कौन सी लहसुन थी और किस भाव गई आपकी? 35,000 गई। कितने कार्टून लाए थे? तीन कार्टून लाए थे। कितनी मतलब कितनी थी वो लहसुन? 90 किलो। 90 किलो। अच्छा, आगे क्या लग रहा है, किस तरह की और भी स्टॉक पड़ा है आपके पास? हाँ है ना। तो वो कहाँ अभी निकालेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, रुकेंगे 15 दिन। तो सभी ऊँटी है, देसी भी है क्या? नहीं है, ऊँटी उठी है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि जो अभी और भी दाम बढ़ सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं? क्या लग बता यार, नहीं एक आप लग रहा था है, जो आप रोक रहे हैं। हाँ। तो रोकने कारण तो हाँ, ये लग रहा था है, बढ़ सकता है निश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं भाव बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी जो बारिश आई इससे कुछ दिक्कत आई आपको? हाँ आई ना दिक्कत, तो क्या क्या परेशानी हुई? ढाकना पड़ा इसको। अच्छा, तो ये पाल वाल लाए थे? पाल लाए, रात को ही जाके लाए। अच्छा, रात को लेके आए थे। तो जो रात को लाए थे तो मतलब किस कितने जो रोज आम बारिश में मिलते उसी रेट में मिले? उसी रेट में मिले। ज्यादा में तो नहीं मिले? नहीं मिले, उसी रेट में मिले। तो कुल मिला के आज जो किसान भाई बता रहे, एक चीज और खास है कि बीच में अपन ने देखा था कि जो 100-200 रुपए के जो पाल थे वो भी 400-400 500-500 रुपए में किसान भाइयों ने एक समय लिए थे। फिलहाल आज ऐसी स्थिति नहीं है, इन्होंने रात में ही पाल का जुगाड़ कर लिया था बारिश से पहले ही, जिसके चलते इनकी उपज को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि जो बारिश थी वो कुछ देर की थी जिसके चलते अफरा तफरी मची, लेकिन उपज को उतना नुकसान नहीं हुआ है। भाई साहब, अभी जो है अभी कितना स्टॉक आपके पास पड़ा होगा? अभी तो 50 कार्टून और 50 कार्टून और पड़ा है। तो सभी ऊटी फर्स्ट है? ऊटी फर्स्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह के किसान भाई ने बताया कि जो दाम है आप देख सकते हो 30-32 और आप 35 का भाव भी आज गया है, तो निश्चित तौर से जो दाम है वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और आने वाले समय में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आगे और भी दामों में इजाफा होगा, वो इजाफा कितने का होगा, कब तक जो है ये दामों में उछाल आता है, ये देखने वाली बात है।